ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फील्ड में हमारा इंटेंट बहुत अच्छा था, जो डू और डाई गेम था हमारे लिए, तो हमारी यही बात हुई थी कि 100% देना है, जो हम हर मैच में ट्राई कर रहे थे, और वो आज फील्ड में हमारा इंटेंट दिखा, जैसे स्टार्ट किया जोफ्रा ने बॉलिंग में, तो वहीं से हमारा मोमेंटम आ गया था। क्रिस गेल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बट हमें यही था कि विकेट जैसा खेल रहा था कि ठीक है, अगर ये वन, हम यही सोच रहे थे कि 180-185 तक हम चेज़ करेंगे और वो चेजेबल है। अभी दो बैक टू बैक जो मैच यहाँ अबू धाबी में हुए, 185 के टारगेट आप प्लस आपने चेज़ किए हैं, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस को कितना बूस्ट मिलता है? नहीं, बिल्कुल, जैसा बैटिंग यूनिट अभी हमारा कर रही है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे हैं, जो इनिशियली हमारे पावर प्ले में दो या तीन आउट हो रहे थे, तो अभी ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, और जैसा उनको भी पता है कि डू और डाई गेम, ये डू और डाई गेम था हमारे लिए, और लास्ट जो हम मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी खेले थे, तो वहाँ से सबका करेक्टर शो होता है कि सारे कितने पॉजिटिव हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं सारे। तो वही है कि अभी हम बैटिंग में इतना अच्छा क्लिक कर रहे हैं और बॉल हम अच्छा डाल ही रहे थे, तो अभी सारी चीज़ें मिलके अच्छा कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी फेवर में आ रहे हैं। जैसे हमारे कोच ने भी बात करी थी कि जाके इंटेंट दिखाओ, 100% कॉन्फिडेंस वाली क्रिकेट खेलो, क्योंकि हमने इतने टाइम से बीच में हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे टूर्नामेंट के बीच में, कि हमारा कभी बॉलिंग डिपार्टमेंट एक दो मैच में थोड़ा हल्का रहा था, फिर जैसे हमारे दो तीन शुरू में पावर प्ले में आउट हो रहे थे, तो अब जैसे संजू इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, प्लस बेन स्टोक्स हमें जो स्टार्ट दे रहा है, तो उससे हमारा मोमेंटम एक बना हुआ है और कॉन्फिडेंस टीम में दिख ही रहा है सबका।